नंबर पे आ रहे हैं, और आप लोग भी अगर एग्जाम देके लौट रहे हो और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार अपने क्वेश्चन भेज दो। ये धीरे धीरे माहौल बना रहे हो आप, लेकिन एक बार तेजी से माहौल बना दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो आपके इस रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। आप ऑथेंटिक क्वेश्चन भेजो, हम यहाँ से आंसर भेजे, और उन सब तक बात पहुंचानी है तो शेयर कर लीजिए। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बर्न द बोट, बर्न द बोट ये idiom होता है, और इससे रिलेटेड एक और वर्ड बनता है, बर्न द ब्रिजेस भी कर सकते हैं। अब इसमें देखो एक मूवी आई थी धमाल वाली, आपको याद है कि वो जब गाड़ी उछाल देता है तो वो पुल टूट जाता है, और पुल टूट जाएगा तो वापस आने के रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि स्टॉप ऑलवेज टू रिटर्न, वापस आने के सारे दरवाजे बंद कर देना। इसमें बोट भी पूछ लिया जाता है कि आपने अपनी बोट जला दी या पुल ही खत्म कर दिए, ये पूछा जाता है। एक सिनोनिम शायद एंटोनिम बच्चे ने भेजा है कि मैं दोनों ही चीजें बता देता हूं, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो आपके भविष्य को बताता है, ये क्लियर तो, नहीं करता है। सर एस्ट्रोलॉजर जो है मैं रोकना चाहूंगा, क्या सर वो सच्ची बताता है? बिल्कुल सही सही सर, बस इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम दे देंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजर का नहीं पता लेकिन सर सही सही बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ये भविष्य प्रेडिक्ट करता है, एक अनुमान लगाता है। ये एक तरह से हो गया कि प्रेडिक्शन हो गई, एक तरह से अनुमान लगाना है, ये तुक्का भी लगा, इसको हम तुक्का भी कह सकते हैं कि हो सकता है उसने बोला कि आपके एमटीएस में इतने नंबर आएंगे, हो सकता नहीं आए। सर आप क्वेश्चन अवेलेबल है ये तो आंसर भी दे, कमेंट करते जाओ जल्दी। आंसर भी आ रहा, काजल सिंह का आंसर आ गया। इसका क्लियर कर सकते हो, इसका अपरेंट भी कर सकते हो, इसका एविडेंट भी कर सकते हो, अपोजिट कर सकते हैं। सेम वर्ड ये हमने आपके सामने रख दिया, और जवाब आया कि सिनोनिम एंड एंटोनिम आए थे, वो भी ज्यादातर पुराने। भाई ये कौन सा वर्ड है, किसने नहीं सुना होगा? आप भले ही जीके के टीचर हो लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा ये। सर, और जीके, देखो जीके में सर एक क्वेश्चन पूछा है कि सर